हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य शेयर करें। साधुवाद प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जय श्री राधे, जय निताई। श्री श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन द्वारा प्रकाशित व्रज के संत नामक ग्रंथ रत्न का रसास्वादन चल रहा है। इसमें हम आज श्री सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास जी के पावन चरित का रसास्वादन करेंगे। इनका पहला नाम बटु कृष्ण था। पिता के देह त्याग करने पर इनकी माता ने सती होने के अवसर पर इनको आज्ञा दी कि तुम व्रज जाकर वैष्णव दीक्षा ग्रहण करना। तब ये 12 वर्ष के थे। विद्या अध्ययन के पश्चात 16 वर्ष पर अपने समृद्ध परिवार को त्याग इन्होंने व्रज की पद यात्रा की। श्री वृंदावन आकर ब्रह्म कुंड निवासी बाबा श्री वैष्णव चरण दास जी से भजन शिक्षा ग्रहण की। उनके अंतर्ध्यान होने पर श्री रूप गोस्वामी सेवित श्री गोविंद जी, जो तब जयपुर में विराजमान थे, उनके माधुर्य से आकर्षित हो यह जयपुर जाकर राजा के चाकर हो गए। महाराजा ने प्रसन्न हो उन्हें मंदिर की द्वार सेवकाई दे दी। 8-10 वर्ष वहां रहे, किंतु राजान्न खाकर बुद्धि मलिन हो कामना वासना जागती देख जयपुर छोड़ सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी, जो काम वन में थे, उनकी शरण में आ गए। सिद्ध बाबा से इन्होंने प्रश्न किया जो इस पथ के पथिकों के लिए विचारणीय है। क्या प्रश्न था वो? बाबा जी ने पूछा कि श्री गोविंद जी की सेवा करने पर उनका चिन्मय प्रसाद पाकर मुझे काम विकार क्यों हुआ? सिद्ध बाबा जी ने इन्हें उत्तर दिया, देख बाबा, एक वृक्ष को कच्ची अवस्था में तोड़कर कुछ दिन जल में पड़ा रहने देकर उसे यदि जलाया जाए तो क्या वो जलेगा? कदापि नहीं। जब तक वह सुखाया न जाए नहीं जलेगा। इसी प्रकार जो जीव अनादिकाल से इस संसार सागर में डूबा हुआ है, भीग चुका है, उसमें बिना वैराग्य के विषय वासना को सुखाए भक्ति का आविर्भाव तत्क्षण कैसे हो सकता है? कहा भी है, न विना साधने साधने देवो ज्ञान वैराग्य भक्ति भी ददाति स्वपदम श्रीमानस्तानि बुधः श्रेयत। अर्थात ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति रूप साधन के बिना भगवान किसी को भी अपना प्रेम प्रदान नहीं करते हैं। अतएव बुद्धिमान इन सब साधनों का आश्रय करे। और फिर जैसे जैसे विषय रस शुष्क होता जाएगा वैसे वैसे ही भक्ति रस का अनुभव एवं आस्वादन भी बढ़ता जाएगा। विषय सुख इंद्रियों के योग न होने से अपने आप ही समाप्त प्राय हो जाएगा और विषयानंद के त्याग होने पर भगवदानंद की प्राप्ति होगी। विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुवावेशः सुदूरतः वारुणी दिग्गतम वस्तु
व्रजनेन्द्रिम के मापनुयात, अर्थात विषयों में आविष्ट चित्त के लिए श्री विष्णु के प्रति आवेश का होना ठीक उसी प्रकार है जैसे पश्चिम दिशा में गई हुई किसी वस्तु को पूर्व दिशा में प्राप्त करने की चेष्टा करना। अर्थात विषयाविष्ट चित्त व्यक्ति के लिए भगवत प्रीति आवेश अत्यंत असंभव है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया, प्रभु कहे सन्यासीर भक्ष नहे उपकरण, इहा खाइले केचे हवे इंद्रिय वरण। श्री महाप्रभु ने स्वयं 3 बार शीते स्नान भूमिते शयन इसका आचरण किया। उनके प्रिय पार्षद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने आजन्म न दिल जिवाय रसेर स्पर्शन इसका भी उन्होंने पालन किया। यदि कहो कि महाप्रसाद तो चिन्मय वस्तु है, उत्तर में कहते हैं कि श्री दास गोस्वामी तो महाप्रसाद खरीद के श्री महाप्रभु की सेवा किया करते थे, तो फिर उनमें श्री महाप्रभु फिर उनसे श्री महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा? विषय विषयीर अन्य है राजस निमंत्रण इत्यादि। महत कृपा बिना प्राकृतिक इंद्रिय एवं मन अप्राकृतिक रसास्वादन का अधिकारी नहीं होता है। इस पथ के पथिक को ईमानदारी की कमाई की भिक्षा ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत प्रसाद होने पर भी दूषित कमाई का अन्न होने से साधक में विकार पैदा करता है। दृष्टांततः श्री गोस्वामी पाद के अप्रकट होने के बाद एक बार उनका एक उत्सव बंग देश में हो रहा था। प्रेम उन्मत्त होकर भक्तगण नृत्य कर रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को एक प्रसिद्ध वैश्या ने अपनी अट्टालिका से देखा। आवेश में भरकर वह भक्तगण की चरण रज में लोटने लगी, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष हुआ। उसका मन वैराग्यपूर्ण हो गया। उसने रो रो कर महंत जी से प्रार्थना की, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए और मेरे पास जो कई लाख के जेवर हैं उनको साधु सेवा में लगा दीजिए। उन्होंने उसको शिष्या बना लिया और आज्ञा दी कि श्री वृंदावन जाकर अपने सब अलंकार श्री गोविंद जी को भेंट कर दो। उस आवेश से वह श्री वृंदावन आई, किंतु पुजारी ने भेंट लेना अस्वीकार कर दिया। निराश होकर वह यमुना के किनारे जल भी न ग्रहण करते हुए पड़ी रही। तब श्री गोविंद जी ने पुजारी जी को आदेश दिया, तुम यमुना तट पर जाकर उसी वेश्या को ले आओ। वह अपने हाथ से सजाए भूषण धराए और उसका धन स्वीकार कर मुझे भोग लगाओ। वैसा ही किया गया, किंतु प्रसाद ग्रहीता वैष्णवगण को उस दिन स्वप्न दोष हुआ। परस्पर जब आपस में वार्ता की तो पुजारी से सब हाल पूछा। उन्होंने शुरू से आखिर तक सब हाल कह सुनाया। तब उन वैष्णवों ने अपनी कुटिया में किवाड़ बंद कर लिए और अनशन व्रत मरण पर्यंत ले लिया। श्री गोविंद जी ने स्वप्न में तीसरे दिन सबसे पूछा, तुम मुझसे क्रुद्ध हो, आत्महत्या क्यों करते हो? बोले, क्या हमसे सर्वत्याग करा? इतने दिन भजन इसलिए कराया था कि वेश्या का अन्न खिलाकर हमारा धर्म नाश करोगे? अब हम आत्महत्या न करें तो क्या करें? श्री गोविंद जी ने कहा, मैंने कब तुमसे वेश्या का अन्न खाने को कहा था? मैंने तो सदा यही कहा है, साधु न खाए, साधु अच्छा न खाए न अच्छा पहने। मैं तो सब कुछ खा सकता हूं और पचा भी सकता हूं, मगर तुम मैं कदापि आदेश नहीं करता।
कि तुम सब कुछ जो सामने आए खा लो। साधु बोले, अगर सामने महाप्रसाद रखा जाए तो क्या करें? श्री गोविंद जी ने कहा, इस विषय में होने वाली एक घटना सुनाता हूँ। गोविंद जी बोले कि भविष्य में एक साधन सिद्ध साधु नित्यानंद दास बाबा जी नाम के होंगे। भविष्य की उन्होंने ये घटना ऐसी घटित होगी, ऐसा उन्होंने कहा कि एक साधन सिद्ध साधु नित्यानंद दास बाबा जी नाम के होंगे। एक राजा उनके शिष्यों से प्रार्थना करेंगे कि हमको बाबा के दर्शन करा दो। उत्तर में राजा का नाम सुन वह संकुचित होंगे। राजा कुटिया के पास डेरा जमा लेगा और जिस समय मध्याह्न काल में वह शौच जाएंगे तो यह भक्त वेश धारण कर, सिर मुड़ाकर, मोटी तुलसी माला गले में पहनकर, तिलक लगा मोटा वस्त्र पहन दीन सा उनकी कुटिया में जाकर बैठ जाएगा। बाबा जी उसको आकर आलिंगन करेंगे और 2 घंटे प्रेमालाप करेंगे। फिर वह अपने मदन गोपाल जी का प्रसाद पाने के लिए आग्रह करेगा। वह स्वीकार न करेंगे। जब दूसरे दिन बड़ा भारी मंडप बनेगा, बड़ा भोग लगेगा, तब बाबा जी वहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। बाबा जी सब प्रसाद की 7 परिक्रमा करेंगे और अनेक बार दंडवत प्रणाम करेंगे। फिर प्रसाद पर से एक तुलसी मंजरी के साथ एक कणिका प्रसाद पर हाथ फेरकर कुटिया में वापस आ वह कणिका खा लेंगे। राजा समस्त काल ध्यानस्थ यह सब देखेगा। जब सेवक आकर कहेगा, राजन, बाबा जी तो एक कणिका प्रसाद लेकर भजन कुटी में चले गए, तब वह उत्तर देंगे, तुम अंधे हो। मैंने खुद देखा, उन्होंने सब प्रसाद, सब प्रकार का प्रसाद पाया और उनके हस्त स्पर्श से वह सब प्रसाद पूर्ववत हो गया। यह है प्रसाद ग्रहण करना। फिर श्री गोविंद जी बोले, तुम लोगों ने केवल महात्माओं का संग किया पर शिक्षा लाभ नहीं किया। सो अपना जान मैंने तुम्हारी शिक्षा निमित्त यह लीला की है। जैसे छोटे हरिदास को मिथ्या दोष दे एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था, इस विषय में तुम अपने को दोषी न जानो। यह मेरी ही शिक्षार्थ लीला है। इस प्रकार उपदेश पा वे काम वन से दोमन वन में आकर भजन करने लगे। नंदगांव से आटा शिक्षा में मांग लाते, उसे घोल कर पी लेते या आग पर सेंक कर रोटी बना लेते। आटे में नीम की पत्ती डाल देते थे, परिणाम में शरीर दुर्बल हो गया तथा चक्षु दृष्टिहीन हो गए। भिक्षा को जाना संभव न रहा तो कुंड का जल पीकर वहीं किनारे पड़े रहते। फिर जल के लिए उठकर लाने की शक्ति भी क्षीण हो गई। 2 दिन बीते जलपान बिना। श्री राधा रानी जी का हृदय करुणा से विचलित हो गया। तब श्री ललिता जी से श्री स्वामिनी जी बोली, तू मेरे नाम को कलंक लगाती है, कृष्णदास पर अभी तक क्यों नहीं कृपा की? यह लो मेरे प्रसाद की थाली और जल्दी जाकर उनको भोजन कराओ। शीघ्र ललिता जी ने वह प्रसाद की थाली श्री कृष्णदास जी के सामने लाकर रख दी और कहा, बाबा, मेरी स्वामिनी ने मेरे हाथ यह प्रसाद भेजा है, इसे पाओ। बाबा जी के मन में श्री ललिता जी की मधुर वाणी ने मृत संजीवनी सुधा की तरह प्रवेश किया। अलौकिक सुगंधमय प्रसाद पा वह दिव्य शक्ति संपन्न हो गए। फिर पात्र को वहीं के रज से साफ कर लौटा दिया। तब व्रज वाला वेशधारी श्री ललिता जी बोली,
तू भिक्षा मांगने क्यों नहीं जाता? बाबा जी ने उत्तर दिया, आंखों से तो दिखाई नहीं देता, कैसे जाए? तब ललिता जी ने कहा, मेरी माँ ने एक अंजन दिया है, उसे लगाकर 1 घंटे नेत्र मूंद कर बैठ जाना तो ठीक हो जाएंगी। यह कह उनकी आंख में लगा दिया। तब बाबा जी ने आंखें खोली तो न वहां थाली थी न बालिका, केवल चारों तरफ अलौकिक सुगंध फैली हुई थी। लोभवश 3 बाबा जी उसी स्थान पर पड़े रहे। जब रात्रि में बाबा जी को तंद्रावस्था में कोटि विद्युत विमर्दित कांति युक्त एक देवी के दर्शन हुए, जो श्री राधा जी थी, उन्होंने कहा, तुम क्यों अधिक वेदना सहन करते हो? अब तुमको और क्या भय है? मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो। मेरे ही अभिन्न स्वरूप ललिता जी थी जिन्होंने तुम्हें चक्षु दान किया। क्या उनके द्वारा मेरी शक्ति से युक्त तुम नहीं हो गए? अब श्री गोवर्धन जाओ, निश्चिंत मन से मननिष्ठ वैष्णवगण को मेरे पाद पद्म प्राप्त करने की सहज युक्ति का उपदेश करो। यह कहकर श्री स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गई। बाबा जी प्रेम सिंधु निमग्न हो गए। होश आने पर श्री गोवर्धन आए। उस समय श्री राधा कुंड एवं गोवर्धन में अनेक प्राचीन भजन परायण वैराग्यवान एवं पंडित वैष्णवगण भजन करते थे। जितने भी गोस्वामी ग्रंथ हैं सभी संस्कृत भाषा में देख एवं संस्कृत भाषा में विशेष अधिकार न देख इनके चित्त में बड़ा खेद हुआ। एक वृद्ध वैष्णव से श्री हरि नाम व्याकरण का अध्ययन करने लगे, किंतु एक समस्या आ खड़ी हुई। अध्ययन में तो भजन का विघ्न और भजन में अध्ययन का विघ्न, बड़ी उलझन में पड़े और चित्त के उद्वेग से सारी रात नींद नहीं आई और मानसी गंगा में जाकर प्राण त्याग करने का संकल्प ले लिया। शेष रात्रि में ही उन्हें किसी ने आवाज दी। कुटिया से बाहर आए तो उनके अंतश्चिंतित चिर परिचित कंठा धारण किए श्री सनातन प्रभुपाद एवं दिव्य रूपशालिनी श्री ललिता जी हैं। अचानक दर्शन पर किंकर्त विमूढ़ से हो उनके चरणों में गिर पड़े। तब श्री सनातन पाद अत्यंत स्नेहपूर्वक मस्तक पर हाथ रखते हुए पूछने लगे, क्यों कृष्णदास, ठीक हो ना? मधुकरी तो मिल जाती है ना, पेट भर जाता है ना? श्री कृष्णदास नेत्रों में अश्रु भरते हुए गदगद हो बोले, हाँ प्रभु। सनातन बोले, देखो शास्त्र अनंत हैं, जिसका जहाँ तक अधिकार है उसके पक्ष में वहीं तक ही ठीक है। उसके लिए तुझे मरना नहीं होगा, ऐसी कुबुद्धि फिर कभी मत करना। तेरे द्वारा हमारे अनेक कार्य होने हैं, आज से हमारे आशीर्वाद से तुम्हें सर्व शास्त्र स्वतः ही स्फूर्त होंगे। श्री ललिता जी भी आशीर्वाद देती हुई बोली, तुम जब भी मेरा स्मरण करोगे अपने हृदय में मेरी स्फूर्ति पाओगे। तुम्हारे द्वारा अनेक ब्रजवासी वैष्णवों को वैष्णवगणों को भजन पद्धति का उपदेश मिलेगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब बाबा जी विरह में अधीर हो समुद्रवत गंभीर हो गए। एक बार दक्षिण देशीय एक तेलंग दिग्विजयी पंडित दिग्विजय करता हुआ श्री वृंदावन आ गया। यहां से सबने उसे गोवर्धन श्री राधा कुंड के लिए भेज दिया। सिद्ध बाबा के पास पहुंचा। भजन में विघ्न होने से पहले तो बाबा ने टालने की कोशिश की, लेकिन वह इनके पीछे पड़ गया और बोला, वृंदावन में अनेक पंडित हैं,
मैं ऐसा विचार कर आया था, किंतु मैंने देखा कि यहाँ तो एक भी ऐसा पंडित नहीं है जो शुद्ध भाव से एक श्रुति भी सस्वर पाठ कर सके। तब सिद्ध बाबा बोले, हाँ ठीक है, आपके समान वेद परायण पंडित इस देश में दुर्लभ ही है। आप ही यदि कृपा कर सामवेद का कोई एक मंत्र पाठ करके सुनावे तो मैं बड़ा ही कृतार्थ होऊंगा। इतना सुन दिग्विजयी अत्यंत ललित स्वर में एक मंत्र पाठ कर सुनाने लगा। मंत्र सुन सिद्ध बाबा ने उसके पाठ उच्चारण में तीन जगह पर दोष दिखा दिए। पंडित कुछ क्रुद्ध सा हो गया और बोला, इससे भी शुद्ध पाठ करने वाला कोई भारत में है? मैं नहीं समझा, यदि आप समर्थ हो तो आप ही कृपया सुनाइए। तब श्री कृष्णदास जी ने शुद्ध स्वर में उसे पाठ सुनाया। वह मान गया और साष्टांग दंडवत करते हुए बोला, आपकी विद्या जागतिक नहीं है, आपके साथ कोई समता कर सके ऐसा जगत में कोई नहीं है। इतना कह अन्य किसी से भी न मिल वह दिग्विजयी अपने देश को वापस लौट गया। सिद्ध बाबा श्री हरि नाम व्याकरण पढ़ाते समय प्रत्येक सूत्र में नित्य लीला का स्थापन करते, भजन की शिक्षा भी साथ साथ देते। श्री राधा कुंड के तत्कालीन पंडित श्री जगदानंद दास बाबा उनकी इस प्रकार की अलौकिक शक्ति देखकर बोले, तुम्हारी विद्या की, बुद्धि की मैं कुछ भी प्रशंसा करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम श्री गोस्वामी के वर प्रभाव से नित्य लीला दर्शन कर सब करते हो, मेरा तो किंतु उस देश में कुछ भी प्रवेश नहीं है। मैं तो केवल शास्त्र बुद्धि से ही तुम्हारी समता करने की बुद्धि करता हूँ, जो कि उचित नहीं है। प्रतिदिन राधा कुंड स्नान समय पर परस्पर मिलन गोष्ठी होती और भगवत गुणानुवाद कर आनंदित होते। बाबा अपने भजनानुकूल प्रायः समस्त ग्रंथों का संग्रह कर उनका आस्वादन करते। रागानुगा भजन का अभिनिवेश तो था ही, कीर्तन श्रवण में प्रेमाविष्ट हो जाते। व्रजमंडल के प्रायः समस्त वैष्णव भजन शिक्षा के लिए इनके पास आते थे। आपने श्री गोविंद लीलामृत, श्री कृष्ण भावनामृत, संकल्प कल्पद्रुम, संकल्प कल्पद्रुम, पदकल्पतरु क्षण दागेते चिंतामणि, पदामृत समुद्र प्रभृति ग्रंथों की आलोचना पूर्वक श्रीमन महाप्रभु की अष्टकालीन लीलाओं सहित श्री राधा गोविंद की अष्टयाम लीला स्मरण उपयोगी एक पद्धति का प्रणयन किया, जो भी उनसे शिक्षा ग्रहण करता प्रतिरात्रि सबको एकत्र कर उनसे भजन विषय में जिज्ञासा किया करते। कोई त्रुटि यदि उनके भजन में हो रही हो तो उसका सम्मार्जन करते, ताकि पथिक सही रास्ते पर चल सके। एक दिन एक वैष्णव ने रोते रोते बाबा जी से कहा, आज मैं कुछ भी भजन नहीं कर पाया तो बहुत दुखी हूँ। मैं प्रातः प्राणेश्वरी जी के दाहिने हस्त कमल में अलंकार पहनाने लगा कि मेरी दृष्टि उनकी शोभा देखने में लग गई। पूरे दिन मन उलझा रहा कि शाम हो गई और कुछ भजन न कर पाया। बाबा ने प्यार किया और कहा, आज ही तुम्हारा यथार्थ भजन हुआ है। इनकी पद्धति बाद में गुटिका नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त आपने प्रार्थनामृत, तरंगिणी, भावनासार संग्रह पद्धति, साधनामृत चंद्रिका की भी रचना की। गुटिका का प्रचार एवं वितरण इनके शिष्य द्वितीय श्री कृष्णदास एवं शेष का आपने स्वयं किया।
तृतीय श्री कृष्णदास अर्थात लाला बाबू ने नंदीश्वर चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। सिद्ध बाबा एक बार कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहे और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के बहुत से हस्तलिखित ग्रंथों को साथ लेकर जल से निकले, किंतु उन ग्रंथों पर जल का कुछ भी प्रभाव न था। यह प्रसिद्ध बात है कि चक्रवर्ती पाद जब ग्रंथ लिखते थे तो खुले स्थान में भी घोर वर्षा होने पर उनके ग्रंथों और उनके शरीर पर जल स्पर्श नहीं कर सकता था। सिद्ध बाबा ने जिन जिन को भी भजनोपदेश दिया वे सभी सिद्ध हुए। इनमें गोवर्धन के द्वितीय श्री कृष्णदास, मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंद दास, झाडू मंडल के श्री बलराम दास एवं लाला बाबू तृतीय कृष्णदास जी हुए आदि आदि ये सभी संत प्रसिद्ध हैं। सिद्ध बाबा की भजन सिद्धि के संबंध में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। जागतिक सिद्ध पुरुष से व्रज के सिद्ध पुरुष के लक्षण सर्वथा भिन्न होते हैं। यह एक जानने योग्य बात है, व्रज जनानुगत के अंतश्चिंतित भाव देह की वृत्ति जब बाह्य देह पर स्फुट रूप से दिखाई देने लगती है तब उसे भजन सिद्ध कहा जाता है। एक बार अंतश्चिंतित देह से होरी लीला का चिंतन करते करते श्री प्रिया जी के आनुगत्य में इनके समस्त वस्त्रादिकों पर भी गुलाल अबीर कस्तूरी कर्पूर चंदनादि सब व्याप्त हो गए। बाह्य अनुसंधान कुछ भी न था, किंतु अन्य वैष्णवों ने यह सब देखा। इसी प्रकार एक बार राधा कृष्ण की जल के लिए लीला के अभिनिवेश में आप इत्र की शीशी लेकर सेवा की इंतजार में थे, मानसी गंगा पर अचानक स्तंभ भाव को प्राप्त हो गए। हाथ से शीशी गिरकर टूट गई। सारे तट पर इत्र की सुगंधि से समस्त स्नानार्थी वैष्णव आश्चर्यान्वित हो उठे और जिज्ञासा करने पर बाबा ने सभी को अपना अपराध जनाते हुए कहा, मैं बड़ा अपराधी हूँ, सेवा में स्तंभ भाव ने विघ्न डाल दिया, इत्यादि इत्यादि कहने लगे। इस प्रकार एक बार कडुआ ले आप मानसी गंगा में स्नान को गए। अकेले थे, गहरे जल में गिर पड़े, किसी ने देखा नहीं। अनुसंधान करने पर कुछ भी पता न चला। 7 दिन बाद आप वहीं कडुआ ले मानसी गंगा से निकल तट पर आए। सब बड़े चकित हुए। जब शिष्यों ने कहा आपको तो 7 दिन हो गए हैं, तो उत्तर दिया, आप सबको भ्रम हो गया है क्या, मैं अभी तो स्नान करने गया था। अर्थात 7 दिन का समय उनके लिए कुछ ही समय के समान व्यतीत हुआ लीला वेश में। सिद्ध बाबा के निकट जब लाला बाबू भेष लेने को आए तो उनको यह कहकर वापस कर दिया, तुम महाभोगी हो, 1 साल तक गौ की गेहूं खिलाने पर, गौ को आपने कहा, क्षमा करें, बाबा जी ने कहा कि तुम महाभोगी हो, 1 साल तक गौ को गेहूं खिलाने पर उनके गोबर में से जो गेहूं के दाने निकल पड़ते हैं उन दानों को खाकर हमारे पास आओ। उन्होंने बाबा की आज्ञा पालन कर उनकी कृपा प्राप्त की। एक और प्रसंग, भरतपुर के राजा यशोवंत सिंह ने एक बार आपके पास सेवा याचना की तो आपने कहा, हम तो ब्रजवासियों की मधुकरी खाते हैं, ब्रजवासियों की सेवा करो। तो राजा ने अपनी संपत्ति ब्रजवासियों को दान कर दी। यह बात आज भी प्रसिद्ध है। एक बार फिर राजा ने बाबा के पास आकर प्रार्थना की और राजा तथा उनकी बड़ी रानी दोनों ने बाबा की कृपा लाभ की और बाबा से आशीर्वाद लिया कि फिर हमारा राजकुल में कभी भी जन्म ना हो। इस प्रकार वे कृतार्थ हो गए। कहा भी जाता है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी।
प्रायः किसी स्त्री की कंकण किंकणी आदि की ध्वनि सुन बाबा जी को उद्दीपन हो जाता था और कई दिन भावाविष्ट रहते। ऐसी अद्भुत कितनी ही वार्ता आपकी ब्रज में प्रसिद्ध है। पूज्य सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास जी के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। धन्य है ये ब्रज भूमि। जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधे, जय नित्य।